कौन है इस देश का मूल निवासी, ये जानने के लिए हमें हरियाणा के राखीगढ़ी में चलना पड़ेगा। वहां पर एक 4,500 साल पुराना कंकाल मिला है, कई कंकाल मिले हैं, अवशेष मिले हैं, उनका डीएनए लिया गया और उसकी जांच की पुणे के डेक्कन कॉलेज के कुलपति डॉक्टर वसंत शिंदे और उनकी अगुवाई में बनी टीम ने। रिसर्च से जो नतीजे आए वो इस देश के पॉलिटिकल और सोशल ढांचे को शीर्षासन करवा सकते हैं। हिंदुत्व का एजेंडा चलाने वाले खुद एक प्रश्न चिन्ह बनने के लिए तैयार रहें। वो सरकार सन्निपात में जाने वाली है जो तमाम किताबों को इस तरह लिख रही है कि भारतीय सभ्यता की शुरुआत ही वैदिक हिंदू धर्म से हुई। पहले राखीगढ़ी को जान लीजिए, क्योंकि बातचीत में बार बार राखीगढ़ी का जिक्र आ रहा है तो पहले उसे ही जान लीजिए। हरियाणा के हिसार में है ये जगह। 1963 में इस जगह को उस जगह के तौर पर जाना गया जहां सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मौजूद थे। 1998 से 2001 के बीच यहां पर खुदाई हुई। 2014 से यह भी कहा जाने लगा कि यहां मोहनजोदाड़ो से भी बड़ा शहर है, कब्रिस्तान भी मिले यहां पर। 2015 में टीला 07, ये उस जगह का नाम है जहां पर खुदाई हुई, वहां से एक कंकाल मिला जिसकी डीएनए प्रोफाइल तैयार की गई। क्या नतीजे आए उसके? पहला कि हड़प्पा सभ्यता के लोग संस्कृत भाषा और हिंदू धर्म संस्कृति के मूल स्रोत नहीं थे। दूसरा, आज के भारतीयों और हड़प्पा सभ्यता के लोगों में जेनेटिक कनेक्शन है। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता के लोग आर्यों के मुकाबले द्रविड़ों के ज्यादा करीब थे। चौथा, हड़प्पा सभ्यता के लोग आज के साउथ इंडियंस से ज्यादा मिलते हैं। इसका मतलब क्या? एक लाइन में मतलब ये कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उस वंश के लोगों जैसे नहीं थे जैसे आज उत्तर भारत की तथाकथित जातियां हैं। जो आर्य और द्रविड़ की बहस को दूर से देखते हैं वो जान लें कि आर्य कौन थे। ये दावा किया जाता है कि लगभग 4,000 साल पहले इंडो आर्य नाम की एक नई प्रजाति ने भारत में प्रवेश किया। ये आर्य पोलैंड से लेकर मिडिल एशिया तक की स्टेपी जमीनों में रहते थे। जब वो यहां पहुंचे तो उनका संघर्ष यहां पहले से रह रहे लोगों से हुआ। अब आता है सवाल कि पहले से कौन रह रहा था। साउथ इंडियंस ये मानते हैं कि वो पहले से रह रहे थे वो द्रविड़ हैं, जिन्हें आक्रमणकारी आर्यों ने खदेड़कर विंध्य के उस पार पहुंचा दिया। अब ये जो आर्यों को हमलावर बताया जाता है वो हिंदुत्ववादियों को और उसी क्रम में राष्ट्रवादियों को बहुत चुभता है। इतिहासकार जब ये कहते हैं कि आर्यों ने आक्रमण किया, हड़प्पा सभ्यता को नष्ट किया और हिंदू भारत की नींव रखी, तो वो इस चीज को नहीं मानते हैं। दूसरा सवाल उठता है कि कौन रहता था वहां, इस बारे में साइंस क्या कहती है। साइंस पूरे तौर पर, निश्चित तौर पर अभी तक कुछ नहीं कह पाई है। साक्ष्यों के आधार पर अनुमान लग रहे हैं। क्या है ये अनुमान? कि राखीगढ़ी के जो 60 टीले हैं उससे हड़प्पा नगर व्यवस्था की निशानी पता चलती है, उसके संकेत मिलते हैं, क्योंकि ये भारत की पहली नगर सभ्यता थी जो 4,000 साल पहले रहस्यमय ढंग से नष्ट हो गई। अब बारी आती है कि राखीगढ़ी से जो चीजें मिली हैं उसमें सबसे अहम क्या है, वो क्या है जिस पर सारी साइंस, इतिहास और भविष्य की राजनीति टिकी है। राखीगढ़ी से मिले प्राचीन डीएनए में एक जेनेटिक मार्कर, एक तत्व, एक चिन्ह जिसको कहते हैं R1A1, ये नहीं मिला है। अब ये R1A1 क्या है? जो आर्य हैं उनका एक जीन है, एक खास जीन जो आज तक हम सब निवासियों में पाया जाता है, खास तौर पे उत्तर भारतीयों में। इसको विज्ञान की भाषा में आर्य जीन कहते हैं, इसी को R1A1 भी कहते हैं। तो जो राखीगढ़ी से मिला है उसमें R1A1 नहीं है, उसमें जो है डीएनए वो दक्षिण भारत की जो जनजातियां हैं उनसे ज्यादा मेल खाता है। ये बात आपके लिए क्यों मायने रखती है? क्योंकि एक एवरेज उत्तर भारतीय के जीन में आज भी जो पुरुष नस्ल के हैं 17.5% हिस्सा आर्य जीन जैसा है। दो बातें निकलती हैं इस पूरी चर्चा से। पहली, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हिंदू सभ्यता की शुरुआत करने वालों से अलग थे। दूसरी, वेद लगभग 1,500 ईसा पूर्व के हैं और तब तक सिंधु घाटी सभ्यता के शहर नष्ट हो चुके थे। मतलब हमारे जो देवता हैं, उनकी जो कहानियां हैं, जो मंत्र हैं, उनका जो प्राचीन काल है वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का काल है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आए और हालिया रिसर्च ये संकेत करती हैं कि ये उन लोगों ने लिखा जो स्टेपी के मैदानों से यूरोप के उठकर इस देश में आकर बसे। इस हिसाब से जिन धर्मों को हम बहुत सनातन मानते हैं वो नए हैं। इस पूरी बहस पर राष्ट्रवादी क्या मानते हैं आपको उनकी भी सुननी चाहिए। हिंदू राष्ट्रवादियों ने आर्यों को कभी बाहरी माना नहीं है।
आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ये मानते थे कि आर्य इस देश में सृष्टि की शुरुआत से थे और वो तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक मानते थे कि आर्य भारत में 10,000 साल पहले आर्कटिक से आए थे। आरएसएस के मुखिया रहे गोलवलकर मानते थे कि तिलक सही कह रहे हैं, वो आए तो आर्कटिक से थे लेकिन तब उत्तरी ध्रुव भारत का ही हिस्सा था। वहीं कोई कोई विद्वान द्रविण और आर्यों को ये कहकर जोड़ता है कि द्रविणों की भाषाएं संस्कृत के जरिए जुड़ी थी। ये सब तो ऐसे लोगों ने कहा जो समाज सेवी थे, जो राजनेता थे, जिनकी अपनी एक राजनीति है जिसके हिसाब से वो ये तर्क करते हैं। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं वो क्या कहते हैं। हमने काई से बात की जिन्होंने इस बार की इंडिया टुडे के लिए कवर स्टोरी लिखी राखी गढ़ी की खोज पर। सुनिए वो क्या कहते हैं। मेन रिजल्ट्स ये हैं कि जो इंडस वैली के पॉपुलेशन है इस सैम्पल में जो निकले हैं उनके एंशिएंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन पॉपुलेशन का निशान काफ़ी तगड़ा है उसमें, और ये भी दिखा था कि इस पॉपुलेशन का मिक्स था ये एंशिएंट साउथ इंडियन के साथ और एक ईरानियन एग्रीकल्चरलिस्ट पॉपुलेशन के साथ। और एक दूसरा पेपर भी निकला है इसी साल में, वो भी अभी तक अनपब्लिश्ड प्री प्रिंट है, जिसमें स्टेप पॉपुलेशन का माइग्रेशन का एविडेंस निकला है। और इन दोनों से ये निकलता है कि स्टेप पॉपुलेशन का माइग्रेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हुआ या जब ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो जा रहा था।